पूरे पूरे राज्य में आज भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा है पूरी तरह, चाहे गांव से लेकर के राज्य की सरकार में बैठे हुए नौकर साहो, और साथ ही साथ इन भ्रष्ट नौकर साहों को संरक्षण और समर्थन देने वाली राज्य सरकार की हेमंत और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार की परिकाष्ठा इस प्रदेश के अंदर दिख रही है। भ्रष्टाचार भी कैसा, स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन पूरी तरह से भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में सरकार कैसे है ये झारखंड की जनता के मन में प्रश्न है। हम सब कोई जानते हैं कि साहेबगंज में इलीगल माइनिंग हुआ है, हम सब कोई झारखंड की जनता जानते वहां इलीगल माइनिंग में पूरी तरह से एक इतिहास रचने का काम किया है। प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त हमारी जो संपदा है, उन खनिज संपदा और पहाड़ पर्वत हमारे संस्कार और संस्कृति का अंग है, उसको एक तरह से सफाचट करने का काम राज्य की सरकार ने किया, और ईडी ने इस चीजों को पर्दाफाश भी करने का काम किया। मैं केवल उदाहरण के लिए दो तीन चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम सब कोई जानते हैं कि वहां पर लगातार साहेबगंज में वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी लगातार उस इलीगल माइनिंग और उसके इलीगल ट्रांसपोर्टिंग के सवाल पर हमेशा आंदोलन करते रहा आया है, और जिसके परिणाम अब दिखने भी लगा है। और वो कौन कर रहे थे, कौन से चेहरे थे, कौन लोग थे, अब अखबार की सुर्खियों में भी आ रहा है। इसलिए साहेबगंज के सवाल पर मैंने राज्यसभा में जो फेरी वाली घटना घटी थी, जिसको साहेबगंज से मनिहारी जो फेरी इलीगल ढंग से ले जाया गया था, ये झारखंड की जनता के मन में प्रश्न है कि इलीगल माइनिंग के ट्रांसपोर्टिंग के दौरान रात में, जबकि रात में किसी प्रकार के ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए इजाजत या कानून उसका प्रावधान नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद ट्रांसपोर्टिंग हो रही थी और आज भी हो रही है। और जब इसकी जांच के सवाल आए, जब घटना घटी, जब मैंने राज्यसभा में प्रश्न पूछा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन करने का काम किया, तो इसकी लीपापोती करने का काम राज्य की सरकार ने किया। आइए, मन में सवाल है कि उस फेरी के दौरान उस पानी जहाज में जो लोग, जो ट्रक 8-7-8 ट्रक उसमें सवार थे, उसके ड्राइवर, खलासी और वो पोत जिसको कहते फेरी, उसके स्टाफ लोगों के साथ घटना घटी और उनकी मौत हुई। लेकिन राज्य की सरकार जानने के बावजूद, ईडी के कई चीजों के पर्दाफाश करने के बाद, आज भी राज्य की सरकार वहां के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर एक भी एफआईआर नहीं करने का काम किया। राज्य की संपदा को लूटने वाले लोग आज क्यों नहीं उपायुक्त महोदय पर और पुलिस कप्तान पर एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया राज्य की सरकार के द्वारा? और तो और, इसको लिपापोती करने के आरोप में तो 120 का भी मुकदमा होना चाहिए। कमिश्नर ने इस पूरे रिपोर्ट को
प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम किया था इस पूरे घटना का। और लेकिन आज भी वही उपायुक्त तो वहां पर बैठ करके, वहीं का जिला प्रशासन बैठ करके आज वही काम कर रहा है जो पहले करते आया। किसके संरक्षण में हो रहा है, किसके समर्थन में हो रहा है, आज झारखंड की जनता पूछना चाहती है। हम सब कोई जानते हैं कि ये अखबारों के सुर्खियों में भी छपा था, मालवाहक जहाज के ऊपर जो सवार लोग थे उनकी मौत हुई है, और जब मौत हुई तो उन पर 302 के भी मुकदमे उसमें डाला जाना चाहिए। देखिए, ये सरकार बचना चाहती है, और सरकार बचना चाहती है कहती है घटना बिहार में हुआ था, इसलिए प्लेस ऑफ ऑकरेंस बिहार है, इसलिए बिहार इस पर कार्रवाई की। वाह रे सरकार, वाह रे इनके कानूनी सलाहकार, वाह रे इस प्रशासन इनकी। प्रिपरेशन और अटेम्प्ट और कमीशन ऑफेंस, मैं तीन चीजों को दोहरा रहा हूं। प्रिपरेशन घटना का, प्रिपरेशन जो यहां से इलीगल माइनिंग हुआ है वो साहेबगंज में हुआ है, और इसको ले जाने का काम भी कौन कर रहा था, तो साहेबगंज में योजना बनी थी, यहां इलीगल माइनिंग, यहां से भेजने की योजना बनी थी, और कमीशन और कमीशन ऑफेंस इसी प्रदेश में हुआ है, और साथ साथ कॉज ऑफ एक्शन जिसको हम कहते हैं, कॉज ऑफ एक्शन भी झारखंड में हुआ है, इसलिए झारखंड में भी मुकदमे दायर करने चाहिए इस राज्य की सरकार को, और संबंधित अधिकारियों पर की जानी चाहिए, और उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, उन पर फौजदारी मुकदमे करने चाहिए। लेकिन कौन नहीं कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अब तक उस डीसी और एसपी साहब के ट्रांसफर तक नहीं किए गए। इसलिए पूरे घटना में जहां जिला प्रशासन के लोग दोषी है, तो रांची में बैठे हुए राजनेता का समर्थन उनको मिला हुआ है, संरक्षण मिला हुआ है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, और भ्रष्टाचार के सवाल पर, राजनीतिक संरक्षण के सवाल पर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।